अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका इत्तेहाद न्यूज़ में खैर मकदम। मैं हूं शकील, जो लेकर आया हूं आज के अहम खबरें, आज के हेडलाइंस। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए पुलिस ऑफिस बार बार जाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर्नाटक। होस्कोटे में चंदन के 25 दरख्त एक ही रात में काट कर चोरी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ने ट्वीट कर बताया कि अब से पुलिस वेरिफिकेशन के लिए CP या SP ऑफिस पुलिस स्टेशंस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना हो या फिर हासिल करना हो, इसके लिए कोई भी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं। बताया जा रहा है कि आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और वेरिफिकेशन हासिल भी कर सकते हैं। बेलगाम में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए कोई भी सेवा सिंधु वेबसाइट पर जाकर आप डिजिटली सिग्नेचर की हुई पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। बेंगलोर से पता चला है कि स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरान उस गैंग को ढूंढने में लगी हुई है जो कल रात गोटीपुरा स्टेट फॉरेस्ट के होस्कटे में चंदन के 25 दरख्त जो 4 से 5 साल की उम्र वाले थे उन्हें काट कर चोरी को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अफसरान के इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1000 से 1500 चंदन के दरख्तों को गोटापुरा फॉरेस्ट एरिया में एक अहम इलाके में उगाने का काम कर रही है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक आला अफसर का कहना है कि इस वारदात के पीछे एक बड़े गैंग का हाथ है। उन्होंने ये भी कहा कि दरख्त काटने से पहले गैंग ने पहले ही उस जगह का मुआयना किया होगा और फिर उस वारदात को अंजाम दिया होगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। जज़ाकअल्लाह खैर।